नमस्ते दी ललन टॉप पर मैं सोनाली हूँ। एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने हाल ही में अपनी ऑटोबायोग्राफी सच कहूं तो रिलीज की है। इस किताब में नीना जी की लाइफ और करियर से जुड़ी तमाम बातें शामिल हैं। इस किताब में नीना गुप्ता ने अपनी जिंदगी के उस फेज का भी जिक्र किया है जब वो एक क्रिकेटर के साथ रिलेशनशिप में थी और इसी दौरान प्रेग्नेंट हो गई थी। अद्विक को ब्लड कैंसर है, उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बनें। अस्सी के दशक में नीना विव रिचर्ड्स के साथ रिलेशनशिप में थी। रिचर्ड्स वेस्ट इंडीज टीम के क्रिकेटर थे। उन्हें दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों में गिना जाता है। उस मुश्किल परिस्थिति में सतीश कौशिक नीना से शादी कर उनके बच्चे को अपनाने को तैयार हो गए थे। नीना ने अपनी बिटिया मसाबा को अकेले ही पाल पोस कर बड़ा किया। मसाबा गुप्ता को फिल्म इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा चर्चित फैशन डिजाइनर्स में से एक माना जाता है। जब नीना प्रेग्नेंट थी तब सतीश कौशिक ने उनसे बात करते हुए ये कहा, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा बच्चा सांवला पैदा होता है तो तुम कह देना कि वो मेरा बच्चा है, इसके बाद हम शादी कर लेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नीना गुप्ता और सतीश कौशिक दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उर्फ एनएसडी के बैचमेट्स थे। 80 के दशक में इन दोनों ने छोटे बजट में बनने वाली पैरेलल सिनेमा में काम किया, ऐसी फिल्मों में काम किया। सतीश और नीना ने एक साथ 3 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थी जाने भी दो यारो, मंडी और उत्सव। फिल्मों के साथ काम करने के दौरान दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई थी। 1987 में आई शेखर कपूर की मिस्टर इंडिया में सतीश ने कैलेंडर नाम का किरदार निभाया, जिसे खूब पॉपुलैरिटी मिली। खैर, हम नीना गुप्ता की बात कर रहे थे। नीना जी ने बताया कि प्रेगनेंसी का असर उनके काम पर पड़ने लगा था। हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में नीना बताती हैं कि उस दौर में उनकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग और बोल्ड महिला की बन गई थी, मगर हमारी फिल्मों में महिलाओं का बोल्ड और स्ट्रॉन्ग होना नेगेटिव तरीके से रियल लाइफ में लिया जाता है, इसलिए नीना जी को फिल्मों में डोमिनेटिंग कैरेक्टर ऑफर होने लगे। मगर नीना एक नॉर्मल महिला वाले किरदार निभाना चाहती थी। 2008 में जब मसाबा 19 साल की थी तब नीना गुप्ता ने शादी करने का फैसला लिया। उन्होंने दिल्ली में रहने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट विवेक मेहरा से शादी कर ली। नीना गुप्ता 90 के दशक के अंत में फिल्मों से तकरीबन दूर हो चुकी थी। वो इक्का दुक्का फिल्मों में काम करती, वो भी ऐसे रोल्स जो नोटिस भी नहीं हो पाते थे। मगर साल 2018 में उनका सितारा एक बार फिर से चमका। इस साल को वीरे दी वेडिंग, मुल्क और भगा और बधाई हो जैसी फिल्मों में नजर आई। बधाई हो की सफलता ने नीना गुप्ता को फिर से स्टार बना दिया। इसके बाद से वो लगातार हमें अच्छे रोल्स में देखने को मिल रही हैं। पिछले दिनों नीना शुभ मंगल ज्यादा सावधान और सरदार का ग्रैंडसन जैसी फिल्मों में नजर आई थी।